सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट के लिए जो है इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट खुशखबरी जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट्स अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आया है। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, नाम फेम पैसा चाहिए और गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट के यही सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो और एक अच्छी सैलरी मिले, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आया है। इसमें आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षक के 12,400 पदों पर जो है एक नई भर्ती निकला है आप सभी स्टूडेंट के लिए। इसके साथ ही एडीओ, मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बोला भी था कि एडीओ की वैकेंसीज आने वाला है, तो एडीओ के जो है टोटल 250 पदों पर भर्ती होने वाला है। एडीओ जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, आप जो है एडीओ अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है गणित से प्रश्न नहीं आते हैं, ना ही आपके रीजनिंग से आते हैं और ना ही आपके जो है इंग्लिश से प्रश्न आते हैं, क्योंकि आप इससे काफ़ी स्टूडेंट तो यही सोचते हैं ना कि अगर काश हमारे एग्ज़ाम में जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जनरल मेंटल एबिलिटी से प्रश्न ना आए, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश से हमें डर लगता है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसमें एडीओ भर्ती परीक्षा में नहीं पूछे जाते और टोटल 250 पदों पर आपका भर्ती होना है। इसके साथ ही हॉस्टल वार्डन के पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक जो है बन सकते हैं और इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी ही 22,000 रुपये मिलता है, प्लस 2,400 रुपये अलग से ग्रेड पे आपको दिया जाता है। हॉस्टल वार्डन का पोस्ट व्यापार में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आप जो है छात्रावास अधीक्षक बन सकते हैं। और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है यह होता है आपको जो है कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर्स हैं आपके एग्ज़ाम में अकेले, तो आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। अगर देखिए कंप्यूटर्स में ही आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, कंप्यूटर्स में ही आपको जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कंप्यूटर से ही अकेले आपके एग्ज़ाम में जो है 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और आपको कंप्यूटर्स में 50 में से आपको 25 नंबर जो है लाना है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर नहीं ला पाते तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा और आप जो है छात्रावास अधीक्षक नहीं बन पाएंगे। तो आप इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके आमीन पटवारी के बारे में। आमीन पटवारी सिंचाई विभाग में आएगा, जल संसाधन विभाग में, तो आमीन पटवारी के जो है टोटल 288 पदों पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है भर्ती निकल कर आया है, जिसमें आप लोग आराम से जो है आवेदन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। इसके साथ ही CGPSC में 190 से भी अधिक पदों पर भर्ती होना है और इसके लिए भी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, और इस बार थोड़ा आरक्षण के मामले की वजह से देरी हो गया, आपका दिसंबर महीने से आवेदन करना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही वन रक्षक के जो है 291 पदों पर भर्ती होना है। तो व्यापार में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी निकल कर आया है, जिसका फ़ायदा आप में से छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट को मिलेगा। लाखों स्टूडेंट के लिए जो है खुशखबरी है, अपडेट्स है, और आप लोगों को एक बेहतर जो है जॉब मिल सकेगा, रोज़गार मिल सकेगा और आप अपने सभी सपनों को जो है पूरा कर पाएंगे। तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ हॉस्टल वार्डन के बारे में। सबसे पहले तो इसमें कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स से अकेले 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होता है, ऋणात्मक मूल्यांकन 1/4 होता है, यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 5 नंबर कट जाता है, इसी को बोलते हैं आपके जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। तो जितना हो सके आपको निगेटिव मार्किंग से जो है बच के रहना, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकें। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं और 50 में से करीबन आपका 45 नंबर अवश्य रूप से आएगा, यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा इस बुक से यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे तो आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपका जो है कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे से नंबर आएगा। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी के व्याकरण। तो हिंदी के व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। इसके साथ हम बात करें आपकी इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आएगा, ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन, टैग, वन वर्ड, सबस्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर्स के नाम जो है इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी, दीशा पब्लिकेशन की बुक से आप जो है इंग्लिश की बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और आपको इंग्लिश के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज देखने को मिल पाएगा।
इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिट्स होते हैं। तो कुछ पीजी करंट अफेयर्स के लिए आप जो है सीजी के लिए सबसे पहले आप जो है विकास परक का मासिक पत्रिका ले सकते हैं, इसके साथ ही आप जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। तो सीजी करंट अफेयर्स के नाम दोनों से तैयारी कर सकते हैं, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के नाम जो है प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी आपका बहुत अच्छे से हो पाएगा, और आपको जो है संपूर्ण ए टू जेड नॉलेज सीखने को मिल पाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अब आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में भी प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तैयारी करने के लिए जो है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। यदि आप एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था बुक से संविधान की तैयारी करेंगे तो आपको संविधान के बारे में भी संपूर्ण नॉलेज सीखने को मिल जाएगा। तो इन सभी बुक से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, डेफिनेट आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। तो इन सभी बुक से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी आप जो है कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है आने वाले समय में, और रेडियो का पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आजीविका से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, संविधान से, हिंदी से, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से, पंचायती राज से। तो देखिए कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है तो आप मेहनत नहीं करते, वही चीज़ें मुश्किल होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप जो है हार्डवर्क कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप जो है मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उतना ही एक बेहतर रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। और कभी भी मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा, मेरे से कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसा आपको जो है सोचना नहीं है। आपको यह सोचना है कि हाँ मैं कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे लिए सभी चीज़ जो है पॉसिबल है अगर आप मेहनत कर सके तो मैं बिल्कुल ही अच्छे से मेहनत कीजिए और आने वाला समय जो है आपका ही होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे अगर कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो मैं अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर हम सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक की नई भर्ती 12,400, एडीओ के जो है 250 पोस्ट हैं, हॉस्टल वार्डन के 400, आमीन पटवारी के 288 पोस्ट हैं, CGPSC में जो है 190 और वन विभाग में जो है 291। तो इस तरह से आप लोगों के लिए नई नई भर्ती आने वाला है, तो जब भी कोई भी अपडेट्स आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई ओपिनियन हो तो अपना ओपिनियन डाउट जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद आपका।